राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें श्रीगंगानगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जयदीप बिहाड़ी ने निर्दलीय प्रत्याशी करुणा चांडक को करीब 29,779 मतों से हराकर जीत दर्ज की है। और इसी क्रम में साधौ शहर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी गुरबीर सिंह बराड़ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय प्रत्याशी ओम बिश्नोई को करीब 15,000 से अधिक वोटों से हराकर विजय हासिल की है। वहीं अगर बात की जाए रायसिंह नगर विधानसभा की, तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी सोहनलाल नायक ने बीजेपी के बलबीर सिंह लूथरा को लगभग 14,000 से अधिक मतों से हराकर जीत दर्ज की है। वहीं अनूपगढ़ विधानसभा से कांग्रेस की शिमला नायक ने करीब 37,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। अगर बात की जाए सूरतगढ़ विधानसभा की, तो यहां से कांग्रेस के डूंगर राम गेदर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और बीजेपी प्रत्याशी राम प्रताप कासनिया को करीब 50,000 से अधिक वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। मोदी जी की रीति नीतियों की, भारतीय जनता पार्टी कमल निशान की और जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, ये इसकी जीत है। अब आगे की राह कैसे रहेगी, किन मुद्दों को लेकर चलेंगे? मुद्दे गंगानगर के बड़े स्पष्ट हैं। सबसे पहला मुद्दा नशा मुक्ति, जो मेरा व्यक्तिगत एजेंडा था और इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी अपनी सहमति दी कि भी गंगानगर नशे का केंद्र बनता जा रहा है, तो नशा मुक्ति पे प्रथम प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद किसानों को गंग कैनाल का पानी, पंजाब से आने वाला केमिकल युक्त पानी, ये दो सुविधा, ये दो काम उसके बाद किए हैं। फिर एलएनटी ने जो किया है गंगानगर में, उसकी भी परतें खोली जाएगी, गंगानगर का विकास। मेरी सोच ये है कि भी गंगानगर विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाया जाए। शुक्रिया, मैं पूरे साधु शहर की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने इस बेटे अपने इस भाई पे आशीर्वाद दिया, और हम साधु शहर के विकास के लिए और यहाँ की किसानी खेती से जुड़ी हुई समस्याओं हों, चाहे नशे से जुड़ी समस्याओं हों, उनके लिए हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। सरकार से और जो भी हमारी जिम्मेदारी होगी वो बिल्कुल हम बखूबी निभाने की पूरी कोशिश रहेगी। एक तो जनता का प्यार था, कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, राजस्थान सरकार की योजनाएँ थी और क्षेत्र के लोगों का भी प्यार था। एक तरफ प्रदेश में बीजेपी को मैंडेट मिल रहे हैं और दूसरी तरफ आप कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे हैं, असल वजह क्या रही? कांग्रेस एक्चुअल में सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी थी और लोगों ने प्यार भी दिया, हो सकता है कोई इनका ऊपर वाला कारण, तो अपन क्या कह सकते हैं जी। सोनाल जी, चूंकि अब आप विपक्ष की पार्टी से विधायक चुनकर विधानसभा पहुँच रहे हैं, अब रायसी नगर विधानसभा का वहाँ प्रतिनिधित्व करेंगे एज ए विपक्ष के विधायक, बिल्कुल बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी है, कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल मैनेज करेंगे, सब क्षेत्र की समस्याओं के लिए हमेशा बोलेंगे और क्षेत्र की समस्याओं हल करने के लिए चाहिए विपक्ष की भूमिका, वो सरकार भी बनेगी तब बताएंगे, अभी विपक्ष की बन रही है कैसे एडजस्ट। मौजूदा राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की फ्लैगशिप योजनाएं, विशेष तौर से ओपीएस और चिरंजीवी योजना, उन योजनाओं का लाभ पूरे राजस्थान में मिला है और सूरतगढ़ में भी सूरतगढ़ की जनता ने बेहद प्यार स्नेह आशीर्वाद दिया है और मैं पूरी की पूरी सूरतगढ़ जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। क्या कार्य करवाने के सर आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखो, जो भी क्षेत्र के अंदर विकास के काम है, बिजली है, पानी है, सड़क है और जो हमने घोषणाएं की है, उन सारी की सारी जो प्राथमिकता है उनको पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। मुख्य मुद्दा क्या रहेगा सूरतगढ़ में? जिनका सूरतगढ़ के अंदर मुख्य मुद्दे काफ़ी हैं, एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे हैं, जैसे प्राथमिक जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने का। बड़े मुद्दे में से देखो, जो अनूपगढ़ के अंदर जीत हुई है शायद पूरे राजस्थान के अंदर ऐतिहासिक जीत रहेगी, ये मेरी जीत नहीं है, मेरी जनता की जीत है। ऐसे लग रहा है कि शिमला नायक वहाँ चुनाव नहीं लड़के पब्लिक ने चुनाव लड़े, तो मेरे जो बूथ से लेकर जो मेरे बड़े बुजुर्ग छोटे मातर शक्ति जहाँ हमारे बच्चे थे, सब ने बहुत अच्छा साथ दिया, शिमला बन के चुनाव लड़े, तो ये मेरी जनता की जीत है। और इससे पहले मैं दो शब्द और आप मीडिया भाइयों को कहना चाहती हूँ कि जी मेरी नींव रखी थी स्वर्गीय बीडी अग्रवाल जी ने, 2013 का मैंने पहला चुनाव लड़ा था, आज वो मेरे बीच में नहीं है, लेकिन सर्वप्रथम मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ, नमन करती हूँ कि उन्होंने जो पौधा लगाया था, दीवार मेरी अनूपगढ़ विधानसभा की जनता ने बनाई और छत लगाने का काम मेरा रहेगा।